नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच सदन के अंदर बहस का मामला अब तुल पकड़ता नजर आ रहा है। राजद के विधायक जहां मुख्यमंत्री से आसन से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, वहीं जदयू अब बचाव में उतरती नजर आ रही है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को हुई घटना के बाद मंगलवार को विजय सिन्हा सदन में पहुंचे ही नहीं। दिल्ली के अम्बेडकर भवन में भाजपा संसदीय दल की बैठक में फिल्म द कश्मीर फाइल का जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया उस सत्य को दबाने की कोशिश की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्रीय कानून लागू हो गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 70 साल से ज्यादा समय से जम्मू कश्मीर के लोगों को जो नकारा गया वो अब उन्हें दिया जाएगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर गांधी परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए साक्षात्कार में सिब्बल ने गांधी परिवार को नेतृत्व छोड़ने के लिए कहा है और किसी अन्य नेता को लीडरशिप देने की बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में पाकिस्तान में गलती से मिसाइल गिरने के मामले में बयान दिया। ये मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब में मियां चन्नू इलाके में गिरी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं इस सदन को 9 मार्च 2022 की हुई एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं। ये निरीक्षण के दौरान एक आकस्मिक मिसाइल रिलीज से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों के परिसीमन का काम अंतिम चरण में है, लिहाजा इसी साल यहां चुनाव होने की संभावना है। परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट का अंतिम मसौदा जनता के सामने रखा है। मसौदे पर लोग 21 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी राय और आपत्तियां दे सकेंगे। इसके बाद परिसीमन आयोग की टीम 28 और 29 मार्च को राज्य का दौरा करेगी। बिहार के पश्चिम चंपारण में 1719 एकड़ भूमि पर पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी। इस पार्क में राज्य सरकार का 51% और केंद्र सरकार का 49% इक्विटी होगा। ये योजना प्रदेश को देश दुनिया में वस्त्र उद्योग प्रक्षेत्र में व्यापक पहचान दिलाएगा, बल्कि रोजगार सृजन और निवेश को भी बढ़ावा देगा। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को बिहार विधानसभा में इसकी घोषणा की। यूपीएससी परीक्षा 2020 को पास कर चुके उम्मीदवारों को कैडर आवंटित कर दिया गया है। टॉपर शुभम कुमार समेत बिहार के 10 नए आईएएस मिल गए हैं। इस केंद्र सरकार की तरफ से मंगलवार को बिहार सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई उनको चुनौती दे रहा है। किसी जमाने में मध्य पूर्व में अमेरिका एक बड़ी ताकत था, उसी के नेतृत्व में खाड़ी के सभी देश लामबंद रहते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। बीते दिनों हिजाब विवाद देशभर में चर्चा का केंद्र बना था, अब उस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद में दाखिल की गई सभी याचिकाएं खारिज कर दी है और कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है। दिसंबर से फरवरी तक बेहद सक्रिय रहे पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता अब इस क्षेत्र में लगभग शून्य हो गई है। मार्च में अब तक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव धनबाद और आसपास नहीं दिखा, जिससे आबोहवा में तेजी से गर्माहट आ गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय मिसाइल के अपने क्षेत्र में गिरने का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के समक्ष उठाया है। उनके साथ मौजूदा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। अनुपम खेर की नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स चर्चा में है। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना ने 1990 के दशक के एक प्रमुख मुद्दे आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों की जान लेने पर बनी इस फिल्म के बारे में ट्वीट किया और लोगों से फिल्म देखने की अपील की है। भारत आज क्या है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री कोई संबोधन देते हैं या फिर किसी विदेशी यात्रा पर जाते हैं तो इस पर पूरी दुनिया की नजर होती है। भारत के साथ आज दुनिया के कई छोटे बड़े देश मिलना चाहते हैं। हाउडी मोदी से लेकर के अन्य विदेशी यात्राओं पर जब भी पीएम मोदी गए हैं तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया से लेकर दुनिया के कई बड़े देश आज भारत के साथ खड़े हैं। सोमवार को चीन के शेयर बाजारों में गिरावट आ जाने से चीनी अरबपतियों की दौलत में $53 बिलियन यानी कि 4 लाख करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के अनुसार चीन के झोंग शानशान की नेटवर्थ में $5 बिलियन की गिरावट देखने को मिली। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। हालांकि कुछ लोग सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है, इन्हीं में से एक है राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी। जयंत का कहना है कि किसी मूवी को टैक्स फ्री करने के बजाय सरकार को जनता के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने चाहिए। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश भर में सुर्खियों में है। हालांकि इन सबके बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है जो बहुत पुरानी है और इस तस्वीर को खुद विवेक ने शेयर किया था साल 2012 में। इस तस्वीर में विवेक जामा मस्जिद के सामने दुआ पढ़ते हुए दिख रहे हैं और सिर पर टोपी भी पहन रखी है। आप सभी को बता दें कि विवेक ने 2012 में यह तस्वीर खुद ट्वीट की थी, जो कि अब उनके हैंडल पर अभी भी है।
केंद्र की मोदी सरकार इस महीने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता या डीए बढ़ा सकती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजर अब पश्चिम बंगाल पर है। पाकिस्तान ने हाल ही में भारत और उसके एयर स्पेस का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। दावा किया था कि पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर भारत की तरफ से आया ऑब्जेक्ट खाने वाला जिले से मेजा गिरा है। भारतीय मिसाइल गिरने के मामले को पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही खींच रहा है, जिसके चलते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाक प्रधानमंत्री इमरान खान को जमकर फटकार लगाई है और समझाया है कि यह घटना एक गलती के अलावा और कुछ भी नहीं थी। आज बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस आलिया भट्ट का बर्थडे है। एक्ट्रेस ने अपने स्पेशल डे पर फैंस को एक खास ट्रीट देकर उनका दिन बना दिया है। जी हां, आलिया भट्ट ने अपने 29वें जन्मदिन पर अपनी और रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र से अपना फर्स्ट लुक रिवील किया है। ब्रह्मास्त्र में आलिया ईशा के रोल में नजर आएंगी। फिल्म में एक्ट्रेस का लुक काफी अट्रैक्टिव है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर आशंका का माहौल है। भारत में भी आम लोगों के मन में ये डर है कि कभी भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है। बहरहाल खबर यह है कि अभी के लिए तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि की टेंशन छोड़ दें। इसके दो कारण है। पहला, कच्चे तेल में बढ़ोतरी के खिलाफ भारत में अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और देश के शीर्ष रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्प ने रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार रूस से 30 लाख बैरल रूसी यूराल की खरीदारी की है। भारत द्वारा दुर्घटनावश पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में मिसाइल चलने की घटना को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर मामले को तुल देने का पुरजोर प्रयास कर रहा है। चीन द्वारा इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दिए जाने के बाद अब पाकिस्तान ने जर्मनी के सामने यह मुद्दा उठाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपनी जर्मन समकक्ष एनालेना बारबक के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है और भारत द्वारा अपने क्षेत्र में छोड़े गए मिसाइल की जानकारी दी है। कोरोना का दौर जब से शुरू हुआ तब से ही फिल्म मेकर्स ओटीटी पर अपनी फिल्में रिलीज करने लगे हैं, लेकिन अब जब सिनेमाघर खुले हैं तो भी कुछ मेकर्स अपनी फिल्मों को ओटीटी पर रिलीज कर रहे हैं। ऐसे में कमाल आर खान उर्फ केआरके ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कमाल आर खान ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर पर सवाल उठाए हैं जो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि उनकी फिल्में सिनेमाघरों में 200 करोड़ का बिजनेस कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड से कहा है कि रमजान और शब इबारात के दौरान नमाज अदा करने के लिए निजामुद्दीन मरकज के अन्य 3 तल खोलने की अनुमति के संबंध में संबंधित एसएचओ से आवेदन के साथ संपर्क करें। वहीं न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता रजत नायर ने आश्वस्त किया है कि बोर्ड के आवेदन पर कानून के तहत विचार किया जाएगा। निजी क्षेत्र की एयरलाइंस विमान में सवार होने या उतरने के समय पैसा बचाने के लिए एरोब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिससे बुजुर्ग लोगों को काफी परेशानी होती है और उन्हें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है। एरोब्रिज किसी हवाई अड्डे के टर्मिनल के द्वार पर को वहां पर खड़े किसी विमान के द्वार से सीधे जोड़ने का काम करता है। यूपी सरकार उज्ज्वला योजना के तहत इसी होली में पहला मुफ्त गैस सिलेंडर देने की तैयारी में है। खाद्य और रसद विभाग ने होली पर गैस सिलेंडर देने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। प्रदेश में उज्ज्वला योजना के 1.65 करोड़ लाभार्थी हैं। होली पर सिलेंडर देने में सरकार पर 3,000 करोड़ का भार आएगा। चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर शुरू हो गई है। एक दिन में 2 गुने से ज्यादा नए मामले बढ़े हैं। मंगलवार को चीन में 5,280 नए कोरोना केस मिले, जो देश में कोरोना महामारी के दिन के बाद का सबसे तीव्र संक्रमण माना जा रहा है। उधर WHO ने दुनिया को चेताया है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलकर विकसित हो रहा नया वेरियंट चौथी लहर ला सकता है। राम जिला नगर योजना का प्रवर्तन की सख्ती के बाद भी अवैध कॉलोनियों को काटने वाले भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। 1.5 महीने में 100 एकड़ से अधिक जमीन पर 50 अवैध कॉलोनी विकसित कर दी गई है। इसमें संचोली, सिलानी, फरूख नगर, सुल्तानपुर, मुबारकपुर, पंचुगांव, सोहना, बादशाहपुर का इलाका शामिल है। इसका खुलासा जिला नगर योजनाकार के सर्वे में हुआ है। DTP ने भूमाफियाओं की पहचान कर ली है। कई ऐसे भूमाफिया हैं जिनके खिलाफ FIR तक दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने भाजपा के पूर्व सांसद विजय गोयल से छीना गया मोबाइल फोन महज कुछ घंटों के अंदर ही बरामद करते हुए झपटमारी के आरोपी युवक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। झपटमार ने इस फोन को दूसरे व्यक्ति को 2,200 रुपए में बेच दिया था। पुलिस ने बताया कि मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। आरोपी पहले भी 4 ऐसे मामलों में शामिल रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सुषमा सिंह, प्रवेज आलम, प्रिया यादव, मनीष
मनीषा कुमारी, राजेश कुमार, स्वर्णेश्वर कुमार, जितेंद्र ठाकुर, नरेश कुमार, मोनू सिंह, अजय तंती, पंकज रॉय, दयाशंकर, रघुनाथ प्रसाद, शंकर मुखिया, आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार चीन में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए क्या चीन और भारत के बीच में आवागमन को अभी से ही रोक देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।